हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इमित राजस्थान में एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज इसमें बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंदर जो कौन से हॉस्पिटल, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट हो गए, इंडिया के जो अदर हॉस्पिटल्स है, वो कौन से रजिस्ट्रेशन है जिसके अंदर आपका इलाज वो फ्री हो पाएगा। इसी में पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँ आपको वीडियो जानकर दोस्तों पसंद आएगा। वीडियो जानकर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे जो रेड बटन है इसको जरूर दबाना है और पास बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना से मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों ये देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी हम आ गए हैं दोस्तों। इस पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता था। आपको अगर दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए बी एम जी आर ए जी वी लिस्ट ऑफ इम्प्लॉयटरी हॉस्पिटल लिस्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फर्स्ट में आता है यहाँ पे देखिए इम्प्लॉयटरी जी ओ आर हॉस्पिटल लिस्ट, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है वो आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल लिस्ट, जो 31/3/2021 है, ये 24/3/2021 है, और यहाँ पे जी ओ आई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये सबसे पहले ये जो हॉस्पिटल है ये दोस्तों यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ पे जैसे क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हैं वो ऑल ऑफ राजस्थान के यहाँ पे हॉस्पिटल दिए हुए हैं। तो आप अपना यहाँ पे नाम वगैरह दे सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे सिलेक्टेड है या नहीं। फिर आप यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे 13 पेज यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुल टोटल हम देख लेते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे टोटल राजस्थान के यहाँ पे 756 यहाँ पे हॉस्पिटल इन्होंने दिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे टोकन आईडी, यहाँ पे इनके जो टोकन आईडी उदयपुर के, उदयपुर की जो हॉस्पिटल कोड है और हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे दिया, हॉस्पिटल का यहाँ पे एड्रेस है। उसके बाद आ जाए दोस्तों नेम ऑफ नोडल ऑफिसर, जो यहाँ पे नोडल ऑफिसर इन्होंने नियुक्त किया उसका यहाँ पे नाम है डॉक्टर चिरंजीव उपाध्याय करके। उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है और इनकी ईमेल आईडी है वो भी है, और यहाँ पे गवर्नमेंट टाइप यहाँ पे जो वो भी यहाँ पे दिए। इनसे आप अगर आप इस हॉस्पिटल में अगर आप इलाज वगैरह करना चाहते हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर कौन सी जो प्राइवेट हॉस्पिटल आती है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है या नहीं। तो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्राइवेट हॉस्पिटल की। तो दो नंबर पे दे सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल लिस्ट, तो आपको पीडीएफ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी दे सकते हैं, उनका जो कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, जितने भी राजस्थान के ऑल डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें सिलेक्टेड है वही यहाँ पे दिए। या ये नहीं कि टोटल हॉस्पिटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पे 301 यहाँ पे इन्होंने बताया है जो सिलेक्टेड है प्राइवेट हॉस्पिटल अभी के लिए फिलहाल इतने सिलेक्टेड, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पे और भी सारे इसमें ऐड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे इतने हॉस्पिटल है। आप इन किसी में से यहाँ पे इलाज करवाना चाहते हो तो इनके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे इसमें अपना इलाज वगैरह यहाँ पे करवा सकते हो। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पे जी गवर्नमेंट ऑफ हॉस्पिटल, तो आप पे पीडीएफ पे क्लिक करके वो भी आप इसमें दे सकते हो कि कौन से यहाँ पे सिलेक्टेड है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। आपको इसी तरह का यहाँ पे टॉपिक्स वीडियो यहाँ पे मिलते रहते हैं हर समय। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना है। तो अगले अगले वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि आपको काफ़ी लोगों की दिक्कत आ रही है कि जो पॉलिसी है वो प्रिंट नहीं हो पा रही। इसका रीज़न ये है कि साइड अभी थोड़ा वर्क में चल रही है, कुछ उसमें टाइमिंग लगे, उसके बाद प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट हो गए तो हम आपको फिर से बताएंगे किस तरह से आप उसको प्रिंट करोगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ के यहाँ पे कुछ 8 ही हॉस्पिटल है, यहाँ पे अजमेर, अलवर और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, इनके जो कॉन्टैक्ट है वो भी आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। जैसे बीकानेर के अंदर ये आ गया देवस्थान रेलवे हॉस्पिटल बिकिया जी, इससे कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों। उम्मीद करूँ आपको वीडियो जानकारी पसंद आएगा। वीडियो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।